हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसा आप लोग ने देखा था पिछले एपिसोड में, जो है ना, हम लोग यहाँ पे एक बैटल लेने वाले थे, पर वो बैटल में क्या हुआ कि हमारे पास जो डाइनोस चाहिए था वो बैटल के लिए वो था नहीं, इसलिए हम लोग ने फाइट फॉर फंड्स जो है उसमें बैटल लिया एंड हमें वहाँ पे टोटल 120 फंड्स जो है यहाँ पे मिल गया था। सो आज जो है ना हम लोग जाके वापस से देखने वाले कि कौन सा वाला इवेंट आया है, एंड जो भी इवेंट आया है उसमें हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले, बैटल लेने वाले एंड देखने वाले कि आज हमें कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो शुरू करने से पहले ना हम लोग यहाँ पे जितना भी चीज़ें वगैरह है सब कुछ कलेक्ट कर लेते पहले, एंड उसके बाद चलते हैं बैटल की टूर एंड देखते कि हमें यहाँ पे आज कौन सा वाला रिवॉर्ड मिलता है, कौन सा वाला इवेंट आया है एंड उसमें कौन सा वाला रिवॉर्ड है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। वी गो, ऑलमोस्ट डन इज द। सो यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा ना उसके बाद जाके हम लोग ओपी सा बैटल जो है वो लेने वाले। भाई ये कोड 19 बीच में आके डिस्टर्ब कर देता है भाई, यहाँ पे मस्त वे काम कर रहा होता है एंड उसके बाद जाके ये बीच में आके यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे देते हैं। तो हमें यहाँ पे सब कुछ चीज़ें वगैरह यहाँ पे मिल चुका है, अभी बस देखना है कि यहाँ पे कौन सा वाला इवेंट जो है वो आया हुआ है। सो इवेंट में अभी आया है JW पॉइंट्स का, ये तो हम लोग अभी ले नहीं सकते। सो यहाँ पे और एक है रेयर, तो ये जो है ये हम लोग ले सकते हैं लेजेंडरी वाला फाइट। तो लेट्स सी अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल लेना है हमें 4 फाइट्स, तो इसलिए स्टार्टिंग में लेके चलते हैं ये। एंड फ्लाइंग टाइप, ओके हम लोग फ्लाइंग टाइप भी लेके जाने वाले हैं ये। एंड हमें चाहिए होगा एक और कार्निवर्स, तो हम लोग ये लेके चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि हम लोग ये बैटल निकाल पाते हैं कि नहीं। तो हम लोग वही अपना पुराना स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले, अपना पॉइंट्स वगैरह को पहले होल्ड करेंगे एंड उसके बाद जाके जो है ना अटैक मोड में चले जाएंगे ना, ऐसा मारेंगे ना। भाई इसने डाइनो को स्वाइप कर दिया, ये तो नहीं होना था। तो डाइनो स्वाइप करने के बाद इसने एक फटके मार भी दी, वेरी नाइस। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, ऐसे भी अपना फर्स्ट जो डाइनो उसको बीट बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाके जो है ना अपना पॉइंट्स वगैरह को होल्ड कर लेते हैं एंड यहाँ पे देखते कि क्या होता है। तो यहाँ पे इसने 2 ही अटैक कर दी एंड अपना जो डाइनो था उसका यहाँ पे बन चुका है पेटी। बट हमें इतना पता है कि यहाँ पे ओपोनेंट के पास एक भी मतलब ये नहीं है, शील्ड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे उसको उड़ा देते हैं एंड अपना जो 3 पॉइंट है उसको वापस से होल्ड कर लेते हैं। तो हम लोग ने भी यहाँ पे ओपोनेंट का फर्स्ट डाइनो को तो उड़ा दिया है, अभी यहाँ पे बस देखना है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ओपोनेंट का जो HP है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो यहाँ पे ओपोनेंट ने सब अटैक कर दी वापस से एंड अपना जो डाइनो है उसका यहाँ पे बन चुका है पेटी। अभी बचता है अपना फाइनल डाइनो, 1 2 ओके, 2 फटके में ये उड़ने वाला है। हम लोग 3 शील्ड में देंगे एंड 2 पॉइंट जो है उसको वापस से होल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अटैक के साथ ओपोनेंट का जो सेकेंड डाइनो उसका भी यहाँ पे बन चुका है पेटी। अभी यहाँ पे बचता है ओपोनेंट का फाइनल डाइनो एंड ओपोनेंट के पास है 4 पॉइंट्स। तो लेट्स सी अभी जो है ना ओपोनेंट क्या करने वाला है, उसने 4 में से 1 पॉइंट यहाँ पे जो है ना अटैक कर दी है, तो शायद 3 शील्ड में होगा। तो 3 अटैक में जो है ना यहाँ पे ओपोनेंट उड़ने वाला है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स था वो अटैक में दिया एंड यहाँ पे उसके साथ साथ ओपोनेंट का जो फाइनल डाइनो उसका यहाँ पे बन चुका है पेटी एंड हम लोग यहाँ पे बैटल जो है वो जीत चुके हैं। तो फर्स्ट बैटल तो हम लोग ने काफ़ी ईजिली निकाल लिया है, अभी देखना है कि 3 और जो बैटल बचा है वो बैटल हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे ये लोग इतना ज़्यादा क्यों लेके आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो अपने पास खास कुछ ऑप्शन बचता है नहीं, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग लेके जाते हैं ग्रास टाइप एंड लास्ट में लेके जाते हैं कार्निवोरस। नहीं गलत कर दिया, हम लोग को लेके जाना है पहले इसका ग्रास टाइप एंड कार्निवोरस एंड वापस से जो है ग्रास टाइप। इतना ज़्यादा हाई लेवल का ग्रास टाइप हम लोग लेके नहीं जाने वाले, हम लोग लेके जाएंगे एक ठीक ठाक लेवल का मतलब ग्रास टाइप एंड देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अपने पास कार्निवोरस इतना ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए हम लोग ने जो है ना यहाँ पे एक ही कार्निवोरस लिया। वापस से सेम स्ट्रेटेजी जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले फॉलो, उसके बाद जाके देखने वाले कि यहाँ पे क्या हो सकता है। डायरेक्ट 2 अटैक कर भी दिए, ओ भाई 2 अटैक के साथ साथ जो है ना यहाँ पे अपना ओपोनेंट ने अपना जो डाइनो उसका बना दिया पेटी। तो हम लोग यहाँ पे 2 अटैक करके हम लोग 1 पॉइंट को करने वाले होल्ड एंड यहाँ पे ओपोनेंट का भी फर्स्ट डाइनो हम लोग ने यहाँ पे उड़ा दिया है। अभी आता है ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो
मुझे लगता है जितना दूर तक मेरा आइडिया है, मतलब ओपोनेंट यहाँ पे डायनो को स्वाइप करने वाला है, बट यहाँ पे किया नहीं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो सही है, तो हम लोग भी यहाँ पे जो है ना दो अटैक कर लेते हैं एंड यहाँ पे दो पॉइंट को वापस से होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे दो अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का जो सेकेंड डायनो है उसका भी यहाँ पे बन चुका है पेडी। अभी आता है ओपोनेंट का फाइनल डायनो एंड स्टिल अपने पर जो है ना दो डायनोस है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो ये बैटल है हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे। ओपोनेंट ने वापस से अटैक किया नहीं, तो हम लोग दो अटैक करके जो चार पॉइंट्स है उसको वापस से होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे एक फटका तो पड़ा ओपोनेंट को, बट ओपोनेंट उड़ा नहीं। अभी ओपोनेंट के पास है सिक्स पॉइंट्स, अभी वो करता क्या है वो हमें देखना है। एंड अभी बचता है अपने पास एट पॉइंट्स, तो हम लोग एट पॉइंट्स ही अटैक में देते हुए। ओ भाई, यहाँ पे ओपोनेंट ने दिया था शील्ड, इसलिए ओपोनेंट यहाँ पे जो है ना बचने वाला। ओपोनेंट ने सिक्स पॉइंट शील्ड में दिया था। ओके, वो तो बहुत कम एचपी से बचा हुआ है। अभी ओपोनेंट ने किया दो पॉइंट अटैक, वेरी नाइस। अगर उसने दो भी शील्ड में दिया हुआ ना, फिर भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी इजीली यहाँ पे ओपोनेंट को उड़ा सकते हैं। तो अपने जो चार पॉइंट्स है उसको यहाँ पे हम लोग अटैक कर लेते हैं। मैंने कभी भी देखा नहीं था कि कोई सिक्स पॉइंट शील्ड में दे, बट यहाँ पे ओपोनेंट ने दिया था। उसके साथ साथ ओपोनेंट का फाइनल डायनो भी यहाँ पे उड़ चुका है एंड हम लोग यहाँ पे एक और बैटल जीत चुके हैं। यहाँ पे हम लोग का जो सेकंड बैटल है वो भी हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं। अभी हमें दो और बैटल लेनी है, उसके बाद यहाँ पे देखने के हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अभी भाई ओपोनेंट ने जो डायनोस लिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा डायनोस है, तो हम लोग यहाँ पे करने को तो खास कुछ कर नहीं सकते। एक काम कर लेते, हम लोग वापस से जो है ना लेके जाते ग्रास टाइप ही, अपने पास कार्निवरस है ना, उसके बाद जाके यहाँ पे ये बैटल हम लोग निकाल पाते हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ओपोनेंट के पास है दो दो कार्निवरस भाई, उन लोगों का मतलब जो लेवल वगैरह ना काफ़ी अच्छा है। मैं तीन ही वाटर टाइप ही लेके जा सकती थी, बट मैंने लिया नहीं एंड हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को होल्ड कर दिया है। ओपोनेंट के पास है दो पॉइंट, उसके साथ साथ ओपोनेंट ने कर दिए डाइनो को स्वाइप एंड वापस से अटैक किया नहीं, तो हम लोग भी वापस से जो तीन पॉइंट है उसको यहाँ पे होल्ड कर लेते, एक शील्ड में दिया था। वाह, वेरी नाइस। अभी ओपोनेंट के पास है दो पॉइंट्स, दो में से दो ही अटैक कर दी, मेरा डाइनो उड़ेगा क्या? मैन उड़ गया, चलो ये सही है। अपना जो डाइनो है उसका यहाँ पे बन चुका है पेटी, तो हम लोग को यहाँ पे चार पॉइंट अटैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही ओपोनेंट का जो डाइनो है वो यहाँ पे उड़ने वाला है। यहाँ पे ओपोनेंट का जो फर्स्ट डाइनो वो भी उड़ चुका है। अभी आता है यहाँ पे ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो, उन लोगों का डैमेज देखना भाई। ओपोनेंट का डाइनो का डैमेज इतना ज़्यादा होता है ना, मैं क्या ही बोलूँ। अभी थ्री पॉइंट्स है, थ्री में से एक ही फटका मारा, चलो भाई ये सही है। उसने एक ही फटका मारा, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग जो है ना चार पॉइंट को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं एंड दो अटैक कर लेते हैं। यहाँ पर ओपोनेंट ने एक शील्ड में दिया था, हम लोग का डैमेज जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम पड़ा है। अभी ओपोनेंट के पास है फाइव पॉइंट्स एंड फाइव में से फाइव ही अटैक कर दी, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ओपोनेंट ने फाइव पॉइंट्स अटैक करते हुए मेरा सेकेंड डायनो को यहाँ पर उड़ा दिया है। अभी यहाँ पे हमें कितना अटैक चाहिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू, चलो हम लोग ने तीन होल्ड कर दिया, मतलब दो पॉइंट होल्ड कर दिया तीन शील्ड में, तीन अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो तो उड़ चुका है। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का फाइनल डाइनो एंड ओपोनेंट के पास है चार पॉइंट, चार में से एक ही पॉइंट अटैक किया। ओके, हम लोग यहाँ पे तीन पॉइंट पे उसको उड़ा तो पाएंगे आई गेस, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना सिक्स पॉइंट ही अटैक में दे देते हैं। लकीली ओपोनेंट ने एक ही पॉइंट शील्ड में दिया था, इसलिए यहाँ पे ओपोनेंट का जो फाइनल डाइनो उसका भी यहाँ पे बन चुका है पेडी एंड यहाँ पे हम एक और बैटल जीत चुके हैं। अभी लेना है हमें बस फाइनल बैटल, उसके बाद देखना है कि हमें आज कौन सी वाली रिवार्ड मिलती है यहाँ पे। तो अभी चलते फाइनल बैटल की टूवर्स एंड यहाँ पे भाई ओपोनेंट का डाइनो देखना भाई, इतना अच्छा अच्छा डाइनोस लेके आया ना, क्या ही बोले। ओके, एक काम कर लेते हैं, ये वाटर टाइप लेके चलते हैं एंड इसके अगेंस्ट लेके जाते हैं ये ग्रास टाइप एंड फाइनली लेके जाते हैं ये वाटर टाइप, लेट्स गो। अभी हमें ये फाइनल बैटल भी निकालने का कोशिश करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना अपना पॉइंट्स वगैरह को होल्ड कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओपोनेंट का जो एचपी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे जीतने में थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, बट अगर हम लोग ने कोशिश कर लिया तो मे बी हम लोग ये जो बैटल है वो निकाल पाएंगे। अभी ओपोनेंट ने अटैक किया नहीं, तो हम लोग भी यहाँ पे अटैक नहीं करने वाले। अभी के लिए पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ओपोनेंट ने अटैक नहीं किया, जो काफ़ी अच्छी बात है, तो हम लोग यहाँ पे दो अटैक करते हुए चार पॉइंट जो है उसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे ओपोनेंट ने एक पॉइंट शील्ड में दिया था भाई, उसका एचपी ना इतना सा गया, क्या ही बोले।
अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट के पास 5 points एंड देखने की यहाँ पे क्या करता है, 5 में से उसकी 4 points अटैक करते हैं। वेरी नाइस। इसके साथ साथ अपना जो फर्स्ट डायनो है उसका यहाँ पे बन चुका है पेडी, उसने देने से भी एक ही पॉइंट शील्ड में दिया होगा, तो हम लोग यहाँ पे 4 अटैक करते हुए 4 पॉइंट जो है उसको वापस से होल्ड कर गए। एंड उसके साथ साथ ओपोनेंट का भी फर्स्ट डायनो जो है वो यहाँ पे उड़ चुका है। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का सेकंड डायनो। भाई ओपोनेंट का जो एचपी है ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अभी यहाँ पे 4 पॉइंट्स वो करता क्या है, 4 में से 4 ही अटैक कर दिए। एंड अपना जो सेकंड डायनो है ना उसका भी यहाँ पे बना दिया है पेटी। अभी यहाँ पे अपना थर्ड डायनो, यहाँ पे ये कितना अटैक में मरेगा, 3 I guess 1 2 3 1 2 3 1 2। चलो हम लोग का जो पुराना स्ट्रेटेजी है हम लोग वैसे ही पॉइंट दिया है यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ ओपोनेंट का जो सेकंड डायनो वो भी उड़ चुका है। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का फाइनल डायनो, उसका एचपी है ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि वो 4 पॉइंट्स करता क्या है। एंड 4 में से उसने 1 पॉइंट भी यूज़ नहीं किया है, तो हम लोग वापस से जो है ना यहाँ पे करने वाले 4 पॉइंट शील्ड में। एंड 2 पॉइंट को होल्ड कर लिया है हम लोग ने यहाँ पे। अभी ओपोनेंट के पास होता है 7 पॉइंट्स, वो 7 पॉइंट्स अटैक करेगा क्या, 7 में से 7 ही करती हूँ भाई। मेरा डायनो उड़ेगा क्या, शायद नहीं उड़ना चाहिए आई थिंक। ओके यहाँ पे जो है उसने 7 ही पॉइंट अटैक कर दी थी एंड अपना डायनो उड़ा नहीं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। सो यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट ही उड़ा मतलब अटैक में देते हुए हम लोग ओपोनेंट का फाइनल डायनो जो है उसको भी यहाँ पे हम लोग ने उड़ा दिया। एंड हम लोग ये इवेंट का सब बैटल जीत चुके हैं। अभी बस वेट करना है कि हमें यहाँ पे कौन सी वाली रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे सब लेजेंडरी वाला डायनोस दिख रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ओपी सा लेजेंडरी वाला डायनो हमें यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो हमें यहाँ पे मिल चुका है रेक्स, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसको इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे हम लोग हैच करने के लिए छोड़ देते। ओके भाई फाइनली यहाँ पे मतलब सब लेजेंडरी था, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। सो हम लोग ने यहाँ पे ये कर लिया है। एंड यहाँ पे ये भी है और एक डायनो जिसको हम लोग यहाँ पे हैच करने छोड़ सकते हैं, बट एक काम कर लेते हैं अपना ग्रीन कैश यूज़ करके इसको हैच करने के लिए छोड़ देते ताकि ये आगे जाके भी जो है ना हमारा यहाँ पे काम आ जाए। तो हम लोग ने यहाँ पे जितना भी हमें रिवर्स लेजेंडरी डायनो था उसको यहाँ पे सब हम लोग ने हैच करने छोड़ दिया। एंड ये बहुत जल्दी जो है ना 1-2 दिन में हैच भी हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताना कि आज का जो एपिसोड है आपको कैसा लगा। यहाँ पे जो है ना इवेंट पे हम लोग ने 4 बैटल्स ली, जो बैक टू बैक हम लोग सभी बैटल जीते काफ़ी इजीली। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपी लेजेंडरी वाला रेक्स हमें ऐसा रिवॉर्ड मिल चुका है जिसको हम लोग ने यहाँ पे हैच करने छोड़ दिए। एंड देखते कि अगली बार जो है ना कौन सा वाला इवेंट आता है उसमें कौन सा वाला ओपी सा रिवॉर्ड मिलता है। मिलते अगले एपिसोड में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।